प्रणाम सर, आप कहाँ से बता रहे हैं सर? मुंबई से बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर धीरज रेड्डी। आप MD डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, MBBS है और लोग प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ। अच्छा, आप यहाँ पर किस लिए आए थे? अपनी मिसेस की कान की बहराज के लिए। हाँ हाँ, और इनको क्या हुआ था, कहाँ गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला इनको? जो पहले बहरापन हुआ था उसके राइट ईयर बंद था, 15 वर्षों से कान आपका बिल्कुल बंद था ना, नहीं सुनाई दे रहा था, तो लास्ट डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा? आपका फ्रेंड था ना डॉक्टर? हाँ, अच्छा, आपके तो डॉक्टर के साथ फ्रेंड ही होती है, तो उस डॉक्टर ने क्या कहा था? नहीं जवाब। हाँ, वो डॉक्टर ने कहा कि ये नर्स पूरी 100% बंद हो गई है। हाँ, और क्योर नहीं हो सकती। क्योर नहीं हो सकती। परंतु आज आपने जो ट्रीटमेंट की उससे क्या फायदा हुआ, कैसे लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। आप आज जो ट्रीटमेंट की तो आप सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, अब नसें चालू हो गई है ना, स्टार्ट हो गया ना सुनना। हाँ, हाँ। आप पीछे से भी सुन सकती है, मैंने कहा था ना पीछे से सुनिए। हाँ। काफी अच्छा। डॉक्टर साहब, आपका क्या अनुभव है, क्या आशीर्वाद है? बस सबको अच्छा हो जाए, ऐसे जिसको हो उसको। हाँ, उसका मतलब ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से हमने जो ट्रीटमेंट की उसे आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, मैडम आपके दो शब्द आशीर्वाद के दीजिए, बोलिए। आप 100 साल जिए और सब पेशेंट की सेवा करते रहे और सब पेशेंट जल्दी से क्योर हो जाए। थैंक यू डॉक्टर। मैंने मैडम सचमुच बताऊँ मुझे क्यों खुशी हो रही है कि मेडिकल लाइन में ये चीज की हवा बनी हुई है कि बहरापन नहीं मिटता है, पर हमने आपका क्यों और भावा क्या, सही बात है। तभी तो उस डॉक्टर ने 15 साल पहले बताया था कि नशे से भी अब कुछ ही नहीं हो सकता, पर हमने जो प्रयत्न किया आज ठीक हुआ ना, उससे फर्क पड़ा ना, सुनने में क्षमता बढ़ गई है। आपको वर्ड कॉन्फिगरेशन करना है, सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना समझना, पहला दिन है ना मैडम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोग आए पधारे, ट्रीटमेंट ली, गॉड ब्लेस यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। ये मैं वीडियो इसलिए ले रहा हूँ सर कि दुनिया के अंदर एक हवा बन गई बेटी कि बहरापन नहीं मिट रहा है, इसीलिए लोग शिकायतें करते हैं कि सर ये मैजिक रेमेडी चला रहा है, ठीक नहीं होता है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। अगेंस्ट में होती है ना, बहुत तो नहीं है, पर थोड़ी जो भी लोग असंतोषी हो तो कर सकते हैं ना, तो ये दुनिया में प्रमाणित हो जाए कि बहरापन नाम की चीज़ अब ठीक हो सकती है, इम्प्रूव हो सकता है, हियरिंग लॉस हुआ है ना, इम्प्रूव होगा, होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। ट्रीटमेंट हमारे तो मेटेरिया मेडिका में एक एक जगह वर्णन है, हर दवाई का वर्णन है कि हियरिंग लॉस इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है सर, प्रणाम। आपकी यहाँ जो होती है, जब हमारे क्या होता है कि सामान्य स्थिति में जब सब कुछ ठीक चलता था तो पेशेंट को 3-4 घंटे के लिए यहाँ बुलाते थे, 1 घंटे में एक कान रेडी, दूसरे घंटे में दूसरा कान रेडी, कान में डालने की दवाई होती है, खाने की दवाई होती है, और उसी से हम बहरापन मिटाते हैं और उसी के वीडियो यूट्यूब गूगल पर डाले हुए हैं, वही की वही सारी ट्रीटमेंट आपको हम घर बैठे भिजवा रहे हैं और आपको वीडियो के द्वारा भी समझाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रीटमेंट यहाँ मिलने वाली थी वही ट्रीटमेंट आपको घर पर मिलेगी, फिर क्या चिंता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको कोरियर से दवाइयाँ टाइम पर मिल जाएगी और इंश्योर दवाइयाँ मिलेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आने का आग्रह न रखें, समय बहुत कठिन खराब है, समय का सामना करो, आजकल वातावरण बहुत खराब है, प्लीज़ आने के अलावा दवाइयाँ घर बैठे मंगाइए, यदि ज़्यादा अविश्वास हो तो अभी मत मनो, बाद में करवा लेना, जब ठीक आपको लगे वातावरण ठीक हो गया 6 महीने 12 महीने के बाद में आ जाना, कान को ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आजकल महामारी हो जाएगी, कुछ ही नहीं होने वाला है। आपको ट्रीटमेंट करानी है घर बैठे दवाइयाँ मंगाओ, ट्रीटमेंट कराओ, दवाई ही है दवाई, देखिए कान में खाली दवाई नहीं है, दवाई है, एक्सरसाइज है, थेरापी है, कपल थेरापी है, पॉइंट है और वर्म थेरापी है और आपके सिस्टम है उसकी उसका वो क्या बोलते हैं उसके विधान है, उसका समय है, उसके बाद में
कान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां है, अलग अलग विषय पर अलग अलग तरह की दवाइयां बनाई गई है, कम सुनने वाले को बेसिक सुनने वाले, सुनने के साथ में पेट की दवाइयां दी जाती है, राइट साइड भी है लेफ्ट साइड भी है, पेट में दर्द है पेट में नहीं है, टीनिटस है, कान में चक्कर आ रहे हैं और सुनाई कम दे रहा है, आवाज़ें आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार असारा में क्या करूँगा, उन सब की बहुत सरल दवाइयाँ मित्रों, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सत्य कह रहा हूँ, कोई असत्य नहीं, आज की बात की बढ़ो नहीं कर रहे हैं, यदि किसी को तकलीफ हो ज़्यादा हो तो वापिस संपर्क करो यार, हम तो आपके मदद में बैठे हुए हैं, हमने तो सिर्फ कफन बांध के बैठे हुए हैं कि हमारा कोई भी काम होगा वो जीवन मरण केवल कान के बहरापन मिटाने के लिए, कान की बहरापन की ट्रीटमेंट करने के लिए, हियरिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तन मन धन से कान के लिए ही समर्पित है।